आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ, जिसका नाम है व्हाई कोचिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट और IIT एस्पिरेंट्स। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ, जिसका नाम है व्हाई कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट और IIT एस्पिरेंट्स, कि क्यों नीट और IIT के एस्पिरेंट्स के लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, ठीक है। सो कोचिंग फॉर नीट और IIT एस्पिरेंट्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। ये कुछ लाइक 7 or 8 पॉइंट्स है जो आपको बताएंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कोचिंग नीट और IIT के बच्चों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइज्ड गाइडेंस फॉर एक्सपीरियंस फैकल्टी। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट का ये मतलब है कि आपको जो है जो फैकल्टी हैं, जो टीचर हैं, वो एक्सपीरियंस मिलते हैं, ठीक है। आपको अपनी जर्नी के बारे में वो गाइड करेंगे कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट आपका रहेगा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम एंड सिस्टमैटिक कवरेज ऑफ सिलेबस। इसमें रहेगा कि जब आप कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या पढ़े, हम ये पढ़े, हम क्या, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोचिंग में जो फैकल्टी होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या, किस तरीके से आपको क्या करना है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, सिलेबस वाइज। थर्ड पॉइंट इज पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड फीडबैक। इसमें क्या होगा, आपका मतलब एक फीडबैक देंगे वो कि अगर आपको कोई टेस्ट ले रहे हैं वो, तो टेस्ट लेते हुए वो आपके क्या फीडबैक आ रहा है या क्या आप किस लेवल पे हो, उस वो चीज़ आपको कोचिंग बताएगी, ठीक है। एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिस मटीरियल्स, मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा वहाँ से, ठीक है। जितना मतलब अब ये कि नीट और IIT में तो ये है कि आपको NCERT कवर करनी पड़ती है, 11th-12th का आपको करना पड़ता है, बेसिक तो यही होता है। तो आपको और ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल मिलेगा, असाइनमेंट्स हो गए, टेस्ट हो गए, वो ही एक अपने आप में मटेरियल होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट फॉर मोटिवेशन, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी में आप सिर्फ अकेले पढ़ते हो, आप अकेले पढ़ते हो, आप अपने ही अप में बहुत अच्छा आप मानते हो कि बस मुझे सब आता है, बट कोचिंग में ऐसा नहीं होता है। कोचिंग में आपको क्या करना होता है, आपके पास अगल बगल बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठते हैं जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ले आते हैं कि हाँ भाई अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपको लगेगा कि मेरा बगल वाला मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप उनसे भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो बेटा कोचिंग में ना आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम स्ट्रेटजीज, इसमें इस पॉइंट का क्या मतलब है कि आप फोकस कर पाओगे कि टाइम मैनेजमेंट आपके लिए क्या है। अगर आप घर पे पढ़ोगे तो घर पे पढ़ने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि हाँ भाई घर पे आपने पढ़ लिया, खाया पिया पढ़ लिए। कोचिंग में क्या होगा, आपको एक टाइम दिया जाएगा कि अगर आप सुबह 10 बजे आते हो तो सुबह 10 से आफ्टरनून के 3 बजे तक आपको पढ़ना है। तो ये एक टाइम मैनेज, टाइम आपका बंध जाता है कि हाँ 10 से 3 मुझे पढ़ना है, आफ्टर 3 मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, देन फिर मैं शाम को अपना जो भी कोचिंग से मुझे होमवर्क मिला है या जो भी सर ने टास्क दिया है फैकल्टीज़ ने, वो कंप्लीट करना है। तो एक टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी बन जाती है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हो कोचिंग में, तो टेस्ट देते समय आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलता है या 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो एक टाइम आपको टाइम लिमिट हो जाती है उसमें। और घर पे आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब टाइम का मिसमैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस फॉर एडेड कॉन्फिडेंस, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस फॉर एडेड कॉन्फिडेंस, इसमें ये होगा कि कोचिंग में आपको क्या होगा, वही 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 वाला हो गया फीडबैक वाला, कि आपके पास क्या होगा
एक कोचिंग में रिकॉर्ड रहेगा कि आपका कितना पोषण, लाइक कितना आप लेवल पे हो, तो वो चीज़ आपको बताई जाएगी। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। लास्ट वन इज़ डिसिप्लिन एंड रेगुलर स्टडी रूटीन। इसमें क्या होगा, बहुत आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तो आप एक डिसिप्लिन में रहोगे। अगर आपकी क्लास 10 बजे है तो आपको 10 बजे पहुंचना ही है। और अगर आप घर पे रहोगे, अगर आप सोचोगे कि हाँ भाई मुझे 10 बजे पढ़ाई करनी है, तो अगर 10 से 10 5 भी हो जाएंगे, 10 10 भी हो जाएंगे, तो भी आप ये सोचोगे ठीक है 15 मिनट और वेट कर लेते हैं या 15 मिनट के बाद हम पढ़ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन नहीं रखते हम इस चीज़ में। तो एक कोचिंग जो है एक डिसिप्लिन देगा आपको कि हाँ भाई मुझे इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे मेरी क्लास है, इतने बजे मेरा टेस्ट है, तो मुझे इतने बजे ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो नीट और आईआईटी के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें कोचिंग क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब महत्व देना होता है, इम्पॉर्टेंस देनी होती है हम लोगों को, ठीक है।